अगर आप कहीं घूमने जाते हैं तो सबसे पहले अपने लिए सही जगह रहने की तलाश करते हैं। पर्यटकों को एक ऐसे होटल की तलाश हमेशा रहती है जो सस्ता हो लेकिन अच्छा भी हो। ऐसे में आप ओयो रूम्स के बारे में जरूर जानते होंगे। इसकी मदद से आप पहले ही अपने लिए एक सस्ता और शानदार होटल बुक कर लेते हैं। क्या आप इसके फाउंडर रितेश अग्रवाल के बारे में जानते हैं, जिन्होंने 19 साल की उम्र में इसकी शुरुआत की और आज वे बिलियनियर के लिस्ट में आते हैं। हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 के मुताबिक वे विश्व के दूसरे सबसे युवा सेल्फ मेड बिलियनियर हैं। उनकी उम्र 26 साल है। नंबर वन पर काइली जेनर है, जिनकी उम्र 22 साल है। रितेश ओडिशा के एक छोटे से शहर से आते हैं जो नक्सल प्रभावित है। वह कॉलेज ड्रॉप आउट है, जिसकी वजह से 2013 में उन्हें $1,00,000 का पीटर थाइल फेलोशिप मिला था। वे 2011 में दिल्ली आ गए और स्टार्टअप शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए एंट्रेंस एग्जाम भी छोड़ दी थी। 2013 में जब उन्हें $1,00,000 फेलोशिप की राशि मिली थी, उसी पैसे से उन्होंने बिना देर किए ओयो रूम्स की शुरुआत कर दी थी। सेप्टेम्बर 2018 आते आते ओयो रूम्स ने $1 अरब का निवेश जुटाया था। जुलाई 2019 में खबर आई थी कि उन्होंने इस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी 3 गुना बढ़ा दी है और इसके लिए उन्होंने $2 अरब का शेयर खरीदा था। चलो जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया में।